मेष, दिन के प्रारंभ में नए कार्य का आरंभ करने के लिए आप उत्साहित रहेंगे, ऐसा गणेश जी कहते हैं। मन की उदासीनता आपके भीतर नकारात्मक भावों को उत्पन्न न करे, इसका ध्यान रखिएगा। वृषभ, घर के सदस्यों के साथ आप आवश्यक चर्चा विचारणा करेंगे, संतानों से लाभ होने की संभावना है, आकस्मिक धन लाभ की भी संभावना है, ऐसा गणेश जी कहते हैं। मिथुन, पारिवारिक और व्यवसायिक क्षेत्र में आपका दिन बहुत अच्छी तरीके से बीतेगा, दोनों स्थलों पर आवश्यक विषयों के संबंध में चर्चा के बाद निर्णायक स्थिति का निर्माण हो सकता है। कर्क, आज आपका व्यवहार न्यायपूर्ण रहेगा, ऐसा गणेश जी कहते हैं। स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, क्रोध की मात्रा भी अधिक रहेगी, व्यवसायिक क्षेत्र में ऊपरी अधिकारीगण के साथ आवश्यक विषयों पर चर्चा होगी। सिंह, आज दिन के प्रारंभ में शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थता और व्यग्रता का अनुभव होगा, व्यापार के स्थल पर उच्च अधिकारियों के साथ आवश्यक चर्चा होगी। कन्या, आज नूतन कार्य और प्रवास न करने की गणेश जी सलाह देते हैं, क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी, जिससे आपका कार्य बिगड़े नहीं, इसका ध्यान रखिएगा, धार्मिक प्रसंग में उपस्थित रह सकेंगे। तुला, आज दिन का प्रारंभ आनंदप्रद रहेगा, ऐसा गणेश जी कहते हैं। हित शत्रुओं से सावधान रहिएगा, नए कार्य को प्रारंभ आज ना कीजिएगा। वृश्चिक, बौद्धिक कार्यों को करने के लिए तथा जनसंपर्क बनाए रखने के लिए और लोगों के साथ घुले मिले रहने के लिए दिन अच्छा है, ऐसा गणेश जी कहते हैं। पारिवारिक जीवन में आनंद छाया हुआ रहेगा। धन, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए संभल कर चलने की गणेश जी सलाह देते हैं। शरीर में स्फूर्ति का संचार होगा, आर्थिक लाभ के लिए समय अनुकूल रहेगा, व्यावसायिक आयोजन अच्छी तरह से कर पाएंगे। मगर, आज आप कुछ अधिक संवेदनशील रहेंगे, ऐसा गणेश जी कहते हैं। आपकी भावना को भी ठेस पहुंच सकती है, किसी भी कार्य में शीघ्र निर्णय लीजिएगा, कार्य सफलता के लिए आज अधिक परिश्रम करना होगा। कुंभ, आवश्यक कार्यों के निर्णय न लेने के लिए गणेश जी आपको सलाह देते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन मध्यम है, माता के स्वास्थ्य के विषय में चिंता रहेगी। मीन, आज आपका दिन आपके स्वार्थी व्यवहार को तिलांजलि देकर अन्यों के विषय में विचार करने के लिए गणेश जी सूचन करते हैं। वाणी पर संयम रखने से आप विवाद तथा मन दुख को टाल सकेंगे।